तू ये मत भूल, वो नितिन लाल है ना बहुत शातिर आदमी है, और साबी आज भी उसे दीवानों की तरह प्यार करती है यार। तूने कल देखा ना, उसने जाकर नित्य का हाथ पकड़ा, उसको आवाज, मैं भी वहीं था, मैं वहीं था ना, उसने मुझे इग्नोर कर दिया, उसने नित्य को चुना यार। मेरी यूएस जॉब को लेके इन्वेस्टिगेटिव किया जा रहा है, सबके सामने मुझे नित्यम दाल में कोर्ट में खड़ा करता, मुझे सच में ऐसा लगने लगा है कि मैं साबिर और नित्यम के बीच में एक दीवार हूँ जो कभी भी टूट जाएगी। सब सही था, पता है सब सही था, मैं उज्जैन आया था, सब बढ़िया था, लेकिन तूने मेरे दिल में उम्मीद, तूने मुझे बोला कि मैं और साबिर एक हो सकता, मैं जितनी तेरी बात सुनता हूँ ना मैं उतना ही फंसता जा रहा हूँ यार। मैंने सबके सामने अनाउंस कर दिया जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं यार। कि क्या है तुम्हारा हर बार का, ये मॉरल साइंस के लेक्चर सुनने के लिए नहीं हूं मैं यहां पे, और ये सारा अपने मुझ पर क्यों डाल रहे हो? हां हम दोनों शामिल हैं इसमें, प्लीज क्यों ये सब बातें हो गई? तुम ये भूल रहे हो कि दो दिन ही रह गए, तुम्हारी और साथी की शादी है। सुनो यार प्लीज, सबके सामने कि मैं यूएस जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। बहुत हो गया, यहाँ पे तुम्हारे मॉरल साइंस के लेक्चर सुनने के लिए मैं नहीं हूँ, और ये क्या सारा अपने पुत्र डाल रहे हो? हाँ हम दोनों शामिल हैं इसमें। ऐसा ना हो कि हमारे झूठ सबके सामने आए, पर साबिर का तो मुझे पता भी नहीं है यार, हो सकता है कि वो मंडप पे भी ना आए, मुझे सीरियसली डाउट हो रहा है। क्या है? मैं तुम्हारी बेचैनी समझ सकती हूँ, तुम सिर पर आ गया तो सच में सच का पता लगा ही लेगा। तब से वही तो कह रहा हूँ तुझे, मैंने अभी तक अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू भी कर दिया होगा मुझे। इस चीज के लिए मेरे पास एक सलूशन है।